जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में जिस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 75% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, लार्ज कैप स्टॉक है, नाम आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट, इस नाम से ज्यादा लोग जानते हैं इसको। इस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, फंडामेंटल्स को भी समझेंगे और चार्ट पैटर्न पे भी समझेंगे स्टॉक में कितनी तेजी हो सकती है आने वाले दिनों में। एंड पिछले दिनों जिस स्टॉक के ऊपर हमने स्टडी की थी उसका अपडेट आपके सामने पेश कर दूं। देखिए कौन सा स्टॉक है नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है, पीवीआर। देखिए पिछले कुछ दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग जो थी 1922.03 या 03 उसके आसपास छू कर आया है, ध्यान दीजिएगा। अगर लगातार 1922 के ऊपर लगातार कुछ दिन बंद होगा, बड़ी तेजी के संकेत देखने मिलेंगे। फिर M&M फाइनेंस यहां पर तो चमत्कार हो गया है, जैसे पिछले सेशन में पहला रेजिस्टेंस 195 हिट किया था एंड अभी आज के सेशन में दूसरा रेजिस्टेंस 205 का भी हिट किया है। तो इस तरह से फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में पैसे जो है इन्वेस्टमेंट करने हैं तो उससे कैसा होगा, नुकसान होगा कम एंड प्रॉफिट जो है या फिर मुनाफा जो है आपको बढ़िया तरीके से होते रहेगा। बस शर्त यह है स्टडी करते रहना है अच्छे तरीके से, अच्छे स्टॉक्स में पैसे डालने हैं। तो चलिए डीमार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए मार्केट कैप कितना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा तकरीबन 2.5 लाख करोड़, 2,57,400 करोड़ का मार्केट कैप, 126 की पी, स्टॉक का 52 वीक लो तकरीबन 3180 के आसपास और 52 वीक हाई 5,900 एंड अपने ऊपरी स्तरों से 32% डिस्काउंट पर यह स्टॉक अभी मिल रहा है। अब कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है हमको कैसे पता चलेगा, पिछले 3-4 क्वार्टर के नंबर देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा कंपनी जो है किस तरह से परफॉर्म कर रही है। पिछले 4 क्वार्टर के नंबर अगर हम देख लेंगे, देखिए सितंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक के, तो सब पता चल जाएगा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है एंड ये सारे नंबर जो है करोड़ में है। एंड यहाँ पर हमें जहाँ पे ध्यान देना है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और लास्ट ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। तो चलिए देखते हैं सितंबर 2021 में कैसी परफॉर्मेंस थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। देखो 670 करोड़, दिसंबर में 860 करोड़, फिर मार्च में फिर हल्की गिरावट 740 करोड़ एंड जून में देखिए पिछले चारों क्वार्टर का सबसे बढ़िया नंबर 1,008 करोड़ का नंबर। आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए 565 करोड़ के आसपास, फिर बढ़त आई 750, हल्की गिरावट 600, फिर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त 875। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट देखिए 418 करोड़, फिर बड़ी बढ़त आई 550, फिर हल्की गिरावट 425 एंड फिर से बढ़त देखिए 640 करोड़ के ऊपर। एंड लास्ट ईपीएस देखिए 6.5 के आसपास का ईपीएस सितंबर में, फिर 8.5 का दिसंबर 2021 में, फिर गिरावट 6.5 के आसपास मार्च में, फिर से बढ़त देखिए तकरीबन 10 का ईपीएस जून 2022 में। तो समझ में क्या आ रहा है, पिछले चारों क्वार्टर के बेस्ट नंबर जो है जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अभी आगे बढ़ेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में हमको क्या चेक करना है, हमको देखना है कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। कर्ज देखिए सिर्फ 640 या 45 करोड़ के आसपास एंड कंपनी के पास जो एसेट्स है देखिए 15,400 करोड़ के एसेट्स है। तो फंडामेंटली काफी बढ़िया कंपनी देखने मिल रही है, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के सामने सिर्फ 600 करोड़ का कर्ज, ऑलमोस्ट मान लीजिए कंपनी जो है कर्ज मुक्त है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, प्रमोटर देखिए 75% के आसपास की होल्डिंग, फिर विदेशी संस्थाएं 8.83% की होल्डिंग, घरेलू संस्थाएं 6.77% की होल्डिंग एंड पब्लिक के पास 9.42% की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी जो है बढ़िया है यहाँ पर देखने में समझ में आ रहा है एंड इससे पता चलता है कंपनी को कॉन्फिडेंस कितना है। अब ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स का एक शॉर्ट समरी हम देखेंगे तो क्या समझ में आता है, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एंड 3200 के आसपास एक 52 वीक लो लगा है, 5900 का हाई लगा है, वहां से 32% डिस्काउंट पे मिल रहा है। पिछले चारों क्वार्टर की बेस्ट परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने लास्ट यानी कि जून 2020 के क्वार्टर में पोस्ट की है। कर्ज कंपनी के ऊपर मामूली सा है 650 करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप के सामने कर्ज कुछ भी नहीं है, कर्ज मुक्त मान लो। फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़िया समझ में आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते जा रही है ये भी समझ में आ रहा है। तो फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी, ऐसी कंपनियां रडार पर होनी चाहिए एंड जिनको लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहूंगा हर महीने आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ शेयर खरीद सकते हैं, मिनिमम एक क्वांटिटी खरीदिए, दो क्वांटिटी खरीदिए, जैसे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अलाउ करती है उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, सो दैट आने वाले समय आपको एक मल्टी बैगर या बड़ा रिटर्न देखने मिल सकता है। चलिए अब ये स्टॉक की जो सर्किट लिमिट है ना 20% की, इसको ध्यान में रखो, मतलब अगर तेजी हुई तो ऊपर की तरफ 20% तक के मैक्सिमम लेवल्स दिखा सकता है एंड कमजोरी होती है तो 20% के नीचे तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। एंड जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है 32% के डिस्काउंट पर मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई, 5900 का ऑल टाइम हाई लगा है 18 अक्टूबर 2021, वहां से लगातार जो है नीचे स्टॉक आ रहा है।
अब स्टॉक काम किस तरह से कर रहा है चार्ट पैटर्न पे समझेंगे। देखिए एक ही चीज़ में ड्रॉ करूँगा एंड हमको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए एक ही पैरेलल चैनल में जो है स्टॉक अक्टूबर महीने से लगातार नीचे आ रहा था शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पिछले तीन सेशंस में देखिए स्टॉक जो है इस रेंज से बाहर निकल गया है, इसके ऊपर धीरे धीरे करके निकल रहा है। ये देखो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, थ्री सेशंस, कौन सा सेशन था, 7 जुलाई का, बाहर निकल गया है। अब स्टॉक के लिए जो रुकावट का लेवल है, जिस प्राइस रेंज में स्टॉक जा रहा है एंड जो स्टॉक का सर्किट लिमिट है, उसके हिसाब से जो रुकावट समझ में आ रही है, मैं एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए अगला जो स्टॉप है स्टॉक के लिए वो है यहाँ पे, इट इज हियर, एंड द रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, देखिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लाइन मैंने ऊपर ले लिया, मैं थोड़ा सा नीचे सेट कर देता हूँ। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी समझ में आ रहा है वो है ये, देख लीजिए यहाँ पर मार्च महीने से स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर निकला नहीं है, ये एक बड़ी रुकावट है स्टॉक के लिए। एंड जो हाईएस्ट क्लोजिंग है इस रेंज की वो है ये 4231.05, पहले मैं लेवल लिख देता हूँ, जब तक इसके ऊपर बंद नहीं होगा तब तक जो है बड़ी तेजी नहीं देखने मिलेगी। 4231.05 इसको ऊपर की तरफ रुकावट का लेवल मान लीजिए। एंड उन्हीं ट्रेडर्स के लिए नीचे कौन सा वो लेवल है स्टॉप लॉस का, इन केस अगर कमजोरी होती है मार्केट में और टूट गया, इसके नीचे अगर बंद होना शुरू होता है तो नुकसान बढ़ जाएगा, वो है 3650 रुपये। तो ट्रेडर्स की रेंज बन गई 3650 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 4230। इसका मतलब क्या है, रेंज के जिस हिस्से में पहले गया ट्रेडर्स कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, समझो भी 3065 चल रहा है अभी, भाव आपको दिख रहा है उतना चल रहा है, समझो ऐसे थोड़ी कमजोरी हुई 3750 आ गया, 200 रुपये नीचे चला गया, तो 100 रुपये के रिस्क के साथ ट्रेडर्स ने खरीद लिया एंड फिर से जब तेजी हुई 4000 आया, 4100 आया, 4150 आया, वहां पे निकल गए। क्यों, क्योंकि 4230 जो है वहां पे रुकावट देखने मिल रही है हमको क्लियरली। अब आने वाले कुछ दिनों में अगर 4231.05 इसके ऊपर लगातार कुछ दिन स्टॉक बंद होता है तो आने वाले कुछ महीनों में 4400 और 4650 इस जोन में स्टॉक जो है आराम से जाता हुआ दिख सकता है। देखिए मार्केट का किस तरह से भी करेक्ट होने दो, मार्केट का करेक्शन चलता रहेगा, स्टॉक्स के जो भाव है ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो चेंज नहीं होते। कंपनी अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से चल रहा है तो फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आता है, ये तो बस मार्केट के अप्स एंड डाउन के साथ स्टॉक में करेक्शन आपको देखने मिलता रहेगा। आपको करना क्या है, अगर करेक्ट होते हैं स्टॉक्स अच्छे वाले तो आपको वहां पे पैसे रेडी रखने हैं एंड वहां पर आपको बढ़िया क्वालिटी वाले स्टॉक्स में निवेश करना है। अब जिनको लंबी अवधि के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, किस रेंज में स्टॉक अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है 3400 रुपये एंड 2700 रुपये। इस रेंज में स्टॉक इन केस अगर मिलता है करेक्शन के दौरान तो आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है आप जो है लेवल्स याद नहीं कर पाओगे या फिर यू नो मिस आउट कर दोगे, जरूरी नहीं है कि हर बार स्टॉक उस लेवल के आसपास हिट होगा तभी उसी समय पे आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आप क्या कर सकते हैं, आप हर महीने, जैसे मैंने चार्ट पैटर्न स्टडी करने से पहले ही मैंने कहा था, हर महीने आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक स्टॉक, दो स्टॉक, एक शेयर, दो शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। इससे जो है आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छा फायदा देखने मिल सकता है, एक मल्टीबैगर अमाउंट देखने मिल सकता है, बट शर्त यह है लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये इन्वेस्टमेंट की बात है एंड ये जो हमने स्ट्रैटेजी, ये जो हमने बात की यहाँ पे स्ट्रैटेजी, इट इज फॉर ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स की बात हो गई एंड ये कुछ दिनों तक लगातार बंद होगा तो आने वाले महीनों में ये लेवल देखने मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो स्टडी आपके सामने पेश की है, पसंद आई है तो स्टडी को लाइक जरूर कीजिएगा एंड स्टडी आपको लगी कैसी है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आप चाहते हैं मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करूँ तो स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टडी मैं आपके सामने पेश करता हूँ इट इज़ फॉर योर रेफरेंस पर्पस ओनली, सो दैट आप वो सारी चीज़ें आप अपनी खुद की स्टडी में यूज़ कर सकें, खुद से स्टडी करना शुरू कर दें एंड अपनी जो स्टडी है आप मतलब जिस तरह से भी आप काम करते हो उसमें अप्लाई करना शुरू कर दें, सो दैट आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ एंड आपको जो है किसी और से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना ना पड़े। दैट इज द रीजन मैं जो है अपनी स्टडीज आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये है कुछ बातें एंड आने वाले दिनों में क्या एक्शन हो सकता है डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में। वंस अगेन, आपको जो स्टडी जो आपके सामने पेश की पसंद आपको लगी कैसी है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो शुक्रिया स्टडी देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।